Hi friends, welcome everybody to my educational YouTube channel, The English Education Era. दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं एलटी ग्रेड के सिलेबस में संकलित विभिन्न ड्रामास, फिक्शंस, प्रोज पोएट्री पर आधारित टेस्ट सीरीज लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आइए आज की इस श्रृंखला में हम चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित टेस्ट सीरीज को वर्कआउट करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज द 13th नावल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इंटाइटल्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पब्लिश्ड। चार्ल्स डिकेंस का जो 13वां नावल था वह ग्रेट एक्सपेक्टेशन था और वह कब प्रकाशित हुआ था? सो एंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम December 1, 1816 टू August 3, 1816, 1 दिसंबर 1860 से 3 अगस्त 1861 तक यह प्रकाशित हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर दो है, वेयर वाज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट पब्लिश्ड। सर्वप्रथम ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो नावल था वह कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन डिकेंस वीकली पीरियोडिकल, जो डिकेंस का वीकली पीरियोडिकल था ऑल द ईयर राउंड। तो ऑल द ईयर राउंड में सबसे पहले ग्रेट एक्सपेक्टेशन नामक नॉवेल प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु पब्लिश्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इन October 1861 इन 3 वॉल्यूम्स। October 1861 में ग्रेट एक्सपेक्टेशन को 3 वॉल्यूम्स में किसने प्रकाशित किया था, किसने पब्लिश किया था? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, चैपमैन एंड हॉल ने। चैपमैन एंड हॉल ने प्रकाशित किया था इसको 3 वॉल्यूम्स में 1861 में। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज स्टेलास फादर, स्टेला के पिता कौन है इस नॉवल में? सो आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैगविच, स्टेला के पिता मैगविच हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, पिप्स ट्यूटर इन लंदन वाज, लंदन में जो पिप का ट्यूटर था वह कौन था? सो मैथ्यू पॉकेट, लंदन में पिप का ट्यूटर जो था वो मैथ्यू पॉकेट था। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज द पेल यंग जेंटलमैन इन द नॉवेल, इस नॉवेल में जो है पेल यंग जेंटलमैन कौन था? सो आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ ओल्ड वाज पिप व्हेन मैगविच रिटर्न्स टू हिज लाइफ, जब मैगविच अपने जीवन को पुनः वापस आता है, जीवन को पुनः प्राप्त करता है, सो उस समय जो है रिटर्न्स होता है लाइफ के लिए, तो उस समय पिप की आयु कितनी थी? सो आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 वर्ष उस समय पिप की आयु थी। एंड क्वेश्चन नंबर एट, हुम डज स्टेला मैरी, स्टेला किससे विवाह करती है? सो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ड्रमल, स्टेला मैरिज ड्रमल। एंड क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट वाज हर्बर्ट्स निकनेम फॉर पिप, पिप के लिए हर्बर्ट का नया निकनेम जो था वह क्या था? सो आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैंडल, हैंडल नाम था। एंड क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं, हु टेक्स क्रेडिट फॉर पिप्स राइज इन सोशल स्टेटस, पिप का जो राइज हुआ यानी उत्थान हुआ सोशल स्टेटस सामाजिक स्थिति में, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, द फुल नेम ऑफ पिप इन द नॉवेल इज, नॉवेल में पिप का पूरा नाम क्या था? सो आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिलिप पिप। एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड लॉस्ट, ऑगलिक इन द नॉवेल इज, नॉवेल में जो ऑगलिक है वह क्या है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ विलेन, वह एक विलेन है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहेंगे। समाप्त करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।